सत श्री अकाल जी। डी फाइव चैनल पंजाबी दा पंजाब बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का मैं इंद्रजीत सिंह टमाणा स्वागत करता हाँ। सब तो पहले शुरुआत करते हैं अज दी मुख्य सुर्खियों तो। मानहानि के केस संबंधी बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर अदालत च होए पेश। पंजाब सरकार से सात दे निशाने। संजय सिंह जेल च बंद नहीं होए पेश। प्राइवेट बसों खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बादल परिवार की मालकी वाली बसों समेत 39 बसों के परमिट रद्द। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मों से लिया गया एक्शन। सुखपाल सिंह खहरा मामले च पंजाब सरकार नूं हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने सरकार तो मंगया जवाब। जवाब देने लई 10 दिन का दिता समा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की खुली बहस डिबेट से सुनील जाखड़ ने दिते तीन नाम। कहा मेरी थां इन्हां नूं करो शामिल। विधानसभा सैशन से खड़े किते सवाल। हुण खबरां विस्थार नाल। सांसद संजय सिंह खिलाफ मानहानि के केस संबंधी अज बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर की अदालत में पेश हुए। इस दौरान मजीठिया ने पंजाब सरकार से भी निशाने साधे। उन्हां माइनिंग मामले च पंजाब सरकार नूं घेरदे हुए कई वड्डे लीडर खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया मानहानि मामले में अज अमृतसर की अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्हां मीडिया नाल गल करदे हुए संजय सिंह ते वड्डे निशाने साधे। नाले उन्हें पंजाब सरकार ते आम आदमी पार्टी ते भी तिखे वार किए। उन्होंने कहा कि जेड़े कहिंदे सी कि ओ मैनू गिरफ्तार करके जेल च डक देणगे अज ओ खुद जेल च बैठे ने। एक केजरीवाल है जिसने मेरे तो माफ़ी मंगी है। नाले उन्हें पंजाब सरकार बारे बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार खुलेआम माइनिंग करवा रही है ते पुलिस नूं कार्रवाई करन तो रोकया जा रहा है। देखो अज पेश ही सी जिस केस च अरविंद केजरीवाल ने ते आशीष खेतान ने माफ़ी मंग ली है। वो संजय सिंह का केस ही मकसद तो उन्होंने अंदर कराने का सी ते रब वालों आप ही अंदर हो गया ते हुण तां उहदे नाल हमदर्दी है कि भाई असी तो जिहड़ा काम कोर्ट राही कराना सी रब नहीं सुन ली पहला तो हुण की कहना उहदे बारे। सर सानू जिहड़ा कहिंदा सी कालर तो फड़ के अंदर करावांगे वो आप ही कालर तो फड़ के उन्होंने अंदर देता हुण आ जाए बाहर। हुण उहदा प्रोडक्शन वारंट मंगिया जी उन्होंने वकील साहब ने सो उन्होंने हुण लै के आउणगे हुण पिंजरे वाली गड्डी च आऊ जी च जाना जाण दी मैं गल कीती सी लै आउण सानू तां की आही तां सत्कार ही करांगे भाई। हुण जदों मेरा कादा इहदे च पॉलिटिक्स दा रहेगा। आम आदमी पार्टी वालों लगातार जिहड़े शिकंजे ने अफसरां ते भी कसे जा रहे ने रिवायती पार्टियां ते भी कसे जा रहे उन्हां दा कहना कोई बख्शिया नहीं जाएगा। अकाली दल नूं किस तरीके नाल देखदा हुण जिहड़ी उन्होंने कहा कि ओपन डिबेट ते भी लोक पिछे हटदे नजर आ रहे असीं ते खुल्ला चैलेंज कीता सी कि आ के साडे नाल शिकंजा तां मेरा वी इहनां ते कसिया जा रहा। जैन साहब इन्हां दे मंत्री साहब पहलां अंदर हो गए उस तो मगरों मनीष सिसोदिया हो गया जिहड़ा इन्हां दा आईज एंड ईयर सी अरविंद केजरीवाल दा। संजय सिंह हो गया हुण तो दो तीन ही रह गए इन्हां दी गिनती तो इन्हां दी पुट्ठी शुरू। और मैं समझदा कि पंजाब च भी बड़ी छेती इंडिपेंडेंट इनकुआइरी CBI इनकुआइरी लिकर माफिया ते चल रही है उहदे च भी कई अफसर ने जिन्होंने इन्हां दी मदद की है कैप्स ने अर्गियां दे उन्हां एक्सपोज होना और किस तरह जिन्होंने दिल्ली से फायदा लिया वो भी एक्सपोज होंगे और नाल ही माइनिंग च जिदे च हरजोत बैंस का सीधा ही नाम आ रहा फॉरेस्ट लैंड च आप दे बेनामी जिहड़े क्रशर चला रहे हो और वो SSP विवेक सोनी की खिचाई हुई हुई है कोर्ट चो जस्टिस शरावत साहब की कोर्ट चो कि तू ट्रक ड्राइवर नू फड़ लियाउणा ते ट्रक ड्राइवर तो माइनिंग कर नहीं रहा। मनजिंदर लालपुरे का केस है बड़ी केस ने इन्हां दे माइनिंग दे इसलिए इहदे च भी बड़ी छेती माइनिंग चो कित्थों 20,000 करोड़ कमाउणा सी कित्थों कमाई तां आम आदमी पार्टी दे दफ्तरां च जा रही ये सारी चीज़ां एक्सपोज होण। तुहानूं दस दईए कि विधानसभा चोणां दौरान आम आदमी पार्टी दे आगू संजय सिंह वल्लों बिक्रम मजीठिया ते नशे दे दोष लाए गए सन। मजीठिया ने इस खिलाफ़ अदालत दा दरवाजा खड़काउंदे होए दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दे लीडर संजय सिंह ते आशीष खेतान खिलाफ़ मानहानि दा केस दर्ज करवाया सी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान ने इस मामले में माफ़ी मांग ली थी पर संजय सिंह वालों इस मामले से अड़े रहने की सोची। पंजाब में प्राइवेट बसों खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मों से बठिंडा RTA 71 ने बादल परिवार की मालकी वाली DTC ऑर्बिट बसों समेत 8 कंपनियों के 39 परमिट रद्द किए हैं। बठिंडा RTA 71 ने बादल परिवार के मालकी वाली DTC ते ऑर्बिट समेत 8 कंपनियों के 39 परमिट रद्द कर दिए हैं। इन्हां विच डब वाली ट्रांसफर के 13 परमिट ऑर्बिट के 12 जुझार बस सर्विस के 7 ते न्यू दीप कंपनी के 3 परमिट शामिल हैं। यह कार्रवाई पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मों तो बाद की गई है। इस संबंधी RTA 71 बठिंडा ने फिरोजपुर पटियाला जलंधर के RTA 71 पत्र लिखा है। पत्र च कहा गया है कि जेड़े परमिट रद्द किए गए हैं उन्होंने अपने दफ्तर अधीन तैयार किए जा रहे टाइम टेबल में ना पाया जाए।
इस तरह जिन्हां टाइम टेबलों च ये परमिट हैं उन्होंने हटा दिता जाए। इस दे नाल ही जीएम पीआरटीसी फरीदकोट बठिंडा बरनाला ते बुढलाडा नूं पत्र लिखा गया है कि इन्हां परमिटां दे चलण वालियां बसां तुरंत बस स्टैंड ते रोकियां जाण। पत्र अनुसार इन्हां कंपनियां दे परमिट रद्द किए गए हैं। उन्हां दे मालकां नूं हदायत है कि वह जल्दी तो जल्दी रद्द किए गए परमिट दफ्तर विच जमा करवाउण। सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार की बादल परिवार की मालकी वाली बसों खिलाफ हूँ तक की सब तो वड्डी कार्रवाई मनी जा रही है। जो परमिट रद्द किए गए हैं वह कुछ इस तरह हैं। डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी बठिंडा जलंधर अबोहर अबोहर लुधियाना अबोहर जलंधर डबवाली जलंधर टू पटियाला मुक्तसर पटियाला अबोहर टू पटियाला अबोहर वाया बरनाला बठिंडा लुधियाना बठिंडा पटियाला फाजिलका मोहाली श्री मुक्तसर साहब लुधियाना तलवंडी साबो जबकि ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा अबोहर लुधियाना पटियाला मुक्तसर पटियाला फाजिलका पटियाला अबोहर पटियाला फाजिलका अबोहर लुधियाना पटियाला संगरूर मुक्तसर लुधियाना बठिंडा नंगल जलंधर बठिंडा पटियाला कपूरथला के रूट रद्द किए गए हैं। जुझार बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के लुधियाना के फरीदकोट लुधियाना वाया मोदकी तलवंडी भाई मोगा जगराओं मुलानपुर मोगा लुधियाना वाया जगराओं मुलापुर फिरोजपुर लुधियाना वाया मोगा ते मोगा लुधियाना वाया जगराओं मुलापुर शामिल हैं। इस तों अलावा पांच होर बस कंपनियों के वख-वख रूट रद्द किए गए हैं। पंजाब झोने की खरीद दौरान शैलर मालकों की हड़ताल कारण किसानों के साह सुते पे सन। इस विचकार वड्डी खबर सामने आई है कि खाद और सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक नाल मीटिंग तो बाद शैलर मालक एसोसीएशन पंजाब ने हड़ताल खत्म कर दी है। पंजाब सरकार के यत्ना सदका शैलर मालकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। राइस मिलर एसोसीएशन ने यह फैसला कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक नाल मीटिंग तो बाद लिया। मीटिंग तो बाद जारी बयान च लालचंद कटारू चक ने दसिया कि मिलर के बहुते मामले केंद्र सरकार नाल संबंधित हैं। मंत्री कटारू चक ने अनाज भवन चंडीगढ़ च पंजाब के वख-वख हिस्सों तो आए मिलर एसोसीएशन के नुमाइंदियां नाल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार नाल संबंधित मंगा विस्थार पूर्वक चर्चा करते हुए अगलेरी कार्रवाई हित केंद्र सरकार नूं भेजण दा फैसला होया। एसोसीएशन वालों हड़ताल खत्म करने की हामी भरी गई। इसते राइस मिलर एसोसीएशन के प्रधान तरसेम लाल सैनी ने कहा कि उन्हां दी सरकार नाल सहमति बन गई है ते हुण ओह हड़ताल खत्म कर रहे हैं। एक तो जी मेन जी मंग सी इन्होंने साडे सीबीए दे सैलरां नूं 40 सैलर सी उन्होंने लाजमी किया इन्होंने मंग ली है। एक सीगा जिहड़ा केंद्र दे नाल संबंधित मुद्दा जी वह सब तो मेजर साडा इशू सी कि पिछला स्टॉक 700 करोड़ रुपए का रिएक्ट पिया शैलरां दा जी अते आने वाले समय के विच 40 FRK दा कम किवें चलना जी। इस मुद्दे के उत्ते केंद्र सरकार दे नाल जल्द ही पंजाब सरकार मीटिंग लै रही है। अच्छी फिलहाल सारे कहता कि तुम झोना जरा क्योंकि किसानों देखते हुए और मिलर देखते आर्थिक वर्ग को देखते हुए अभी फैसला किया कि असं झोना स्टोर करवा शुरू कर लेंगे। एक हड़ताल के दौरान कुछ मिलर ने कट लाता पर कट न बराबर करने के लिए सानू सरकार ने कहा कि जो चंद बंदियों के किसी के वध लगी है तुरंत अभी प्रो डेटा 200 दिन बाद घलावे जी उसू देखते हुए मैं तो भारत की कमेटा जी असं दो ने बैठ के सारी मेरी साड़ी डायरेक्टर की मीटिंग से फैसला किया हड़ताल में बदलाव किया जाता है। राइस मिलर क्या तुम आके इस जगह के उत्ते अच्छी तरह की कैडी स्टोर कराओ क्योंकि आने वाला समय यह है बहुत ही मतलब साडे लिए गंभीर संकट है पंजाब की इंडस्ट्री लिए स्पेस कोई नहीं हैगी है। सो मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब सरकार ने जो सन प्रोसे के इस मसले चुके साढ़े ना करेगी तो असं डर के जो है केंद्र के इस मसले के लगे। दसणयोग है कि भारतीय खुराक निगम ने विशेष तत्तां नाल चौल दे मसले ते शैलर मालकां नूं धार दित्ता है ते निगम दीआं शर्तां दी पूर्ति चौल मिल मालकां दे बस विच नहीं। इस लई पंजाब च राइस सैलरां दे मालक 10 अक्तूबर तों अणमिथे समें लई हड़ताल ते सन। उन्हां दी हड़ताल कारण मंडियां विच झोना लगातार जमा हुंदा जा रिहा सी ते किसानां नूं मुसीबतां दा सामना करना पै रिहा सी ते हुण वड्डा ऐलान करदे होए उन्हां वल्लों हड़ताल खत्म कर दित्ती गई है जिस तों बाद मंडियां विच झोने दी लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। सुखपाल सिंह खहरा ने पंजाब सरकार वालों अपने खिलाफ कार्रवाई का शक जताते हुए पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काया है। सुनवाई करदे अदालत ने खहरा की पटीशन से सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मंगया है। ड्रग मामले में जलालाबाद पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खहरा को हाले तक हाईकोर्ट तो राहत तो नहीं मिली पर सुखपाल सिंह खहरा की पटीशन से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार से होरना नोटिस भेजे है।
नोटिस विच हाई कोर्ट ने सूबा सरकार नूं जवाब दाखिल करन दा हुक्म दिता है। राहत मंग दी पटीशन विच सुखपाल सिंह खैरा ने झूठे केस विच फसाउण दा दावा किया सी ते हाई कोर्ट विच अपील की सी कि जे उन्हां विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी हुई तो 7 दिन पहला नोटिस भेजा जाए। खैरा ने अपने पटीशन विच दस्या कि 2015 विच दर्ज NDPS के मामले विच रेगुलर जमानत की मंग नूं लैके उन्हां दी पटीशन हाई कोर्ट विच विचाराधीन है। इस तो पहला हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से हेठली अदालत वालों हिरासत बढ़ाने के हुक्म नूं चुनौती देने वाली पटीशन से सारे पक्ष सुन मगरों फैसला सुरक्षित रख लिया। पटीशनर नूं खदशा है कि उन्हां नूं हाई कोर्ट तो राहत मिलती है तो कोई भी फर्जी मामला बना के सरकार कार्रवाई कर सकती है। अजे विच सरकार नूं इस बारे जरूरी ताकीद की जाए। हाई कोर्ट ने शुक्रवार उन्हां दी पटीशन ते सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी करदिआं 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करन दा हुक्म दिता है। सुखपाल खैरा नूं ईडी ने 2021 विच 2015 दे ड्रग्स केस नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग दे दोष विच गिरफ्तार किया सी। उस नूं 2022 विच जमानत मिल गई सी। फरवरी 2023 विच सुप्रीम कोर्ट ने नशिया दे मामले विच सुखपाल सिंह खैरा दे खिलाफ समन दे आदेश रद्द कर दिते सन। इस तो बाद 28 सितंबर नूं पंजाब पुलिस ने उसनूं चंडीगढ़ स्थित उसकी रिहायश तो गिरफ्तार कर लिया सी। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी से विरोधियों वालों सरकार से निशाने साधे जा रहे हैं ते इस नूं राजनीति दस्या जा रहा है। कांग्रेसी आगुओं वालों कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार बदले की राजनीति कर रही है क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा पंजाब सरकार खिलाफ आवाज उठाते सन, इसलिए उन्हां खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हां दा दोष है कि सुखपाल सिंह खैरा नूं बेमतलब फसाया जा रहा है। वेला हो गया एक छोटे जे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद सारे फिर स्वागत है, वाद अगली खबर वाल। पंजाब विधानसभा सैशन को लेकर सियासत दिनों दिन गरमौदी नजर आ रही है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की है कि इस सैशन से पहला सदे गए गैर कानूनी सैशन का खर्चा मुख्यमंत्री भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी जेब विचों देण। कल करवाए गए सैशन को लेकर पंजाब सरकार विवादों के घेरे में है। विरोधियों वालों पंजाब सरकार से निशाने साधे जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों इस सैशन को गैर कानूनी आख्या गया सी। राज्यपाल नाल विवाद दरमियान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि वह 30 अक्टूबर को राज्यपाल खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीनों मनी बिल सुप्रीम कोर्ट की सहमति नाल ही सदन में पेश किए जाएंगे। इस तों बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई अणमिथे समय लिए मुलतवी कर दी। इस मामले से विरोधी दल पंजाब सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार से निशाने साधे ने। उन्होंने इस सैशन से हुए खर्चे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल को घेरिया है। उन्होंने कहा कि इस सैशन में होया खर्चा मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल अपनी जेब विचों देण। अज सरकार दा एक होर यूटर्न, पहला सैशन बुलाया फिर सैशन रद्द करता, और ये मैं समझदा मुख्यमंत्री साहब की बड़ी वड्डी इमेच्योरिटी भी है, बचपना, और जो जिहदा खामियाजा पंजाब के लोग भुगत रहे। जदों गवर्नर साहब ने पिछली बारी भी जिहड़ा इन्होंने सैशन बुलाया सीगा, ये कहता सीगा कि वह इलीगल है, और उहदा कारण यह सी कि जो बजट सैशन इन्होंने बुलाया सी इहनूं वह एक्सटेंड करी जा रहे हैं, जबकि बजट के विच जो इन्होंने बिल पास करने सी या जो एजेंडा लिया सी वह सारा कुछ इन्होंने पास करता सी। इसलिए जब बजट दे सैशन वेले जो बिजनेस आया सी वह खत्म हो गया, वह सैशन भी खत्म हो गया सी। इन्होंने फिर उही बचकानी सोच, उही इमेच्योरिटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने फिर सैशन सद लिया, और गवर्नर साहब ने पहला कहता कि तुसी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए सैशन इलीगल होगा। पहला कदे इतिहास से गल वेखण नूं नहीं मिली, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले, ना बादल साहब वेले, ना बीबी पठल वेले, ना हरचरण सिंह बराड़ साहब वेले, ना जिन्हें भी पहला मुख्यमंत्री होया, कदे इह जी गल ना पंजाब च वेखण नूं मिली, ना देश दे होर सूबियां च वेखण नूं मिल रही। दिस शोज कि मौजूदा सरकार सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है। उत्थी इस सैशन का जिहड़ा खर्च आया या पिछले सैशन च करोड़ां रुपये बर्बाद होए है, ये सारा खर्च आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपनी जेब तो या अरविंद केजरीवाल पैसे भरे, और मैं समझदा स्पीकर साहब नूं भी इस गल की माफी मंगनी चाहिए, और अस्तीफा दे दण ते चंगे रहणगे। जद उन्हां नूं रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं समझ आ रही, सरकार गलती कर रही है सैशन सदन की। राज्यपाल की चिट्ठी तो बाद विरोधी दल पंजाब सरकार नूं घेर रहे हैं।
उन्हां वल्लों इस सैशन ते होए खर्चे नूं लैके पंजाब सरकार ते सवाल चुके जा रहे हैं। हुण इस ते अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल नूं चुनौती दित्ती है। हुण देखणा होगा कि इस ते आम आदमी पार्टी वल्लों की प्रतिक्रम सामने आउंदा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के खुली बहस के सद्दे नूं पहलां तां वख-वख सियासी लीडरां ने स्वीकार कर लिया, पर बाद विच हौली हौली बहस विच हिस्सा लैण तों इनकार कर गए। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने नाम दसदे हुए एक बार फिर कहा है कि इन्हां तीन शख्सियतों नूं इस डिबेट विच हिस्सा बनाया जाए। 1 नवंबर नूं होण वाली महाडेट की तरीक जिवें जिवें नज़दीक आउंदी जा रही है, सियासत महकदी जा रही है। विरोधियों वल्लों इस डिबेट विच शामिल होण तों पासा वट्टिया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल वल्लों इस डिबेट विच शामिल होण तों साफ इनकार कर दिता गया है। उत्थे दूजे पासे पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ वल्लों इस डिबेट विच शामिल होने लई शर्तां रखियां गईआं हन। सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब दीआं तीन शख्सियतां जो पंजाब दे हालातां ते बहुत गंभीर हन, उन्हां नूं इस डिबेट विच हिस्सा बनाया जाए। जाखड़ ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि पंजाब विच जो मौजूदा मुद्दे हन उन्हां उत्ते सार्थक मंथन किया जाए। आम आदमी पार्टी PAU दी स्टेज नूं थिएटर विच ना बदल देवे, इसे लई उन्हां ने 3 नामां दे पैनल दी मांग कीती है। एक बड़ा मौका सीगा, सारा पंजाब कट्ठा जुड़दा है पंजाब दे पानियां दे मुद्दे, आल पार्टी मीट बुला लेंदे, दूजियां नूं सारयां नूं सद लेंदे। उत्थे जदों बाहर बुलाणा ते जे सुनील जाखड़ नाल बड़ा लगा सुनील जाखड़ नूं बुला लेंदे। सुनील जाखड़ दे अलावा 3 करोड़ पंजाबी भरे पए है, सारयां कोल ज्ञान है, सारयां नूं अपने हितां ते पहरा देना आउंदा। सब किसे नूं बुला लेंदे, किसानी जथेबंदियां नूं बुला लेंदे, इंटलैक्चुअल बैठे है, पुराने जूरिस्ट बैठे है, जिहड़े रिटायर्ड जजिस बैठे है, वकील बैठे है, किसान बैठे है पिंडां दे अंदर, उन्हां नूं बुला के गल कर दे, जिहदा बैठो पंजाब सारा जुड़ के एक मुठ होई। पर नहीं, काबिलियत है नहीं, सब मैं उहदा की इलाज कर दे। सुनील जाखड़ वल्लों साबका MP डॉक्टर तनवीर गांधी, साबका MLA हरविंदर सिंह फुलका ते साबका MLA कंवर संधू नूं इस डिबेट विच शामिल करन लई आख्या गया है। इस ते आम आदमी पार्टी वल्लों कहा गया है कि विरोधी पार्टियां इस डिबेट विच आउण लई इस लई डर रहियां हन क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने सच भी सामने आ जाएगा। हूँ देखना होगा कि 1 नवंबर में होने वाली डिबेट में कौन कौन शामिल होता है। हूँ भारत भी इस पुलाड़ दौड़ में दुनिया के 94 देशों में खड़ा होने की कगार से है। गगनयान मनुखा नूं पुलाड़ विच भेजण दा भारत दा अभिलाषी मिशन स्वदेशी तकनीक नाल बनाया गया देश दा एक मिशन होण जा रहा है, जो दुनिया भर में भारतीय विज्ञानी की समर्था का झंडा लहराएगा। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो के अभिलाषी गगनयान मिशन के तहत पहली मानव रहित उड़ान परीक्षण में तकनीकी खामी ठीक कर लिया गया है, जिस तों बाद इस सवेरे 10 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि अजकल एक्स है, एक पोस्ट पा के कहा कि गगनयान के TV D1 लॉन्च में रोकने के कारण की पछाण हो गई है, उसको ठीक कर लिया गया है, सवेरे 10 बजे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस तो पहला गगनयान की पहली उड़ान परीक्षण को मुलतवी करने बारे जानकारी देते हुए इसरो के मुखी S. सोमनाथ ने कहा कि टेस्ट वाहन की लॉन्चिंग अज संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इंजन प्रोपल्शन आम तौर पर नहीं किया गया, सानू पता लगाने की लोड़ है कि की गलत है।
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਂਚ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਨੋਮੀਨਲ ਲਿਫਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ ਹੋਲਡ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਇਜ ਕਾਲਡ ਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਂਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਡਿਟੈਕਟਡ ਅ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਨੋਨ ਕਨਫਰਮੈਂਸ ਫਾਰ ਅਲਾਵਿੰਗ ਦ ਇੰਜਨ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਥ੍ਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਫਰਦਰ ਗੋ। So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them. Gaganyaan mission da uddesh manukhan nu 2025 vich 3 dinan de mission vich 400 km di unchai te dharti de hethle pand vich bhejna ate unna nu surakshit roop naal dharti te wapas leona hai। इस क्रू मॉड्यूल नाल टेस्ट वन मिशन पूरे गगनयान प्रोग्राम लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर ते साबका विधायक कुलबीर सिंह जीरा रूपनगर की जेल में बंद हैं। अज कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग कुलबीर जीरा नूं मिलन रोपड़ की जेल में पुजे। मुलाकात तो बाद राजावड़िंग ने पंजाब सरकार उत्ते तिखे शब्द वार किए। साबका कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा दी मुश्किलां लगातार वधदियां जा रही ने। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ MLA ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ MLA ਰਹੇ, ਸੱਤ ਕਵੰਜਾ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜੀਰਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਪੜ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਏ ਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈ ਕਾਲਡ ਹਿਮ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। IG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਂਡ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ MLA ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, 30-35 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੋ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 57 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ 39 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 3 ਨਾਮ। ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।